वेलकम बैक गाइज टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज अगर आपके पास Realme GT 5G है तो आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है। Realme GT 5G के लिए Android 13 की जो अर्ली एक्सेस की एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। तो अगर आप भी इसको इंस्टॉल करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और अगर आप इस अपडेट को करते हैं तो आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। साथ ही बात करेंगे इसके स्टेबल अपडेट के बारे में भी, इसका स्टेबल अपडेट जो है वो कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे आप अर्ली एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अर्ली एक्सेस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर अबाउट डिवाइस में जाना है। यहाँ पर आपको अप टू डेट वाले जगह पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। जो ट्रायल वर्जन लिखा हुआ दिखेगा उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप ट्रायल वर्जन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको यहाँ पर अर्ली एक्सेस लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको इस अर्ली एक्सेस के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको एक एप्लीकेशन नोटिस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ये एप्लीकेशन नोटिस देखने के बाद थोड़ी देर बाद ही जो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो आपको इनेबल मिल जाएगा। आपको इस अप्लाई नाउ पे जो है क्लिक करना है। तो आपके सामने किस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से कुछ भी एक चीज़ डालनी है। यहाँ पर आपको टिक करना है और नीचे सबमिट बटन पे सिंपली आपको इस पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू चली जाएगी और आपको कुछ इस तरीके का जो मैसेज है वो शो होगा यहाँ पर अंडर रिव्यू का। अब जैसे ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो रियलमी यहाँ पर रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद अगर वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है तो आपके साथ आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैसेज जो है वो दिखाई देगा और इसके बाद ही जो है आपको अपडेट है वो आपके फ़ोन में देखने के लिए मिल पाएगा। तो गाइस अगर बात करें कि किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आपका फ़ोन रूट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने डेटा का बैकअप बना लेना चाहिए किसी भी डेटा लॉस से बचने के लिए। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपको उनको लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लेना चाहिए गूगल प्ले स्टोर से। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये एक अर्ली एक्सेस का अपडेट है तो यहाँ पर आपके फ़ोन में काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल इम्पैक्ट पड़ सकता है जिससे कि आपके फ़ोन में जैसे आप डेली यूज़ कर रहे थे उसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि आपके फ़ोन में कम से कम 10 GB का जो स्पेस है वो अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो अपडेट है वो फेल यहाँ पर हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस अब अगर बात करें इसके स्टेबल अपडेट के बारे में तो अभी यहाँ पर अर्ली एक्सेस के एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर ओपन बीटा की एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगी जिसमें आपको कम से कम 1 महीने का समय जो है वो लग सकता है और उसके बाद फिर 1 से 1.5 महीने का समय आपको लगेगा स्टेबल अपडेट को देखने में, यानी कि अभी से हम बात करें तो लगभग 3 महीने के आसपास का जो समय है वो लग सकता है स्टेबल अपडेट आने में। हालांकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है Realme पर कि वो कितनी जल्दी बग्स को फिक्स करके इसके स्टेबल अपडेट को रिलीज़ करे, तो ये जो टाइम है वो फिक्स नहीं हो सकता यहाँ पर, वो टोटली डिपेंड करेगा Realme के ऊपर। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।